तो हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है रीजनिंग मास्टर में, जहां आज है मिरोर यानी कि दर्पण या जल प्रतिबिंब या अर्थात मिरोर या वाटर इमेज का बेस्ट क्वेश्चन, जो कि आपको दर्पण एवं जल प्रतिबिंब के अति आवश्यक प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। साथ ही ये आपका क्लास 2 है, यानी कि पिछला क्लास अगर आपने अब तक नहीं देखा तो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि ये दूसरा क्लास है। तो ये आपका SSC GD एग्ज़ाम जो अभी होने वाला है, साथ ही MTS का एग्ज़ाम जिसका फॉर्म अभी भरा जा रहा है, और RPF का एग्ज़ाम जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, साथ ही CHSL का एग्ज़ाम, CGL का एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम एंड ऑल एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला, चाहे आप BEd, DLED या GSSC या फिर BSSC या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो स्टेट का या गवर्नमेंट का, तो उसके लिए मिरोर या वाटर इमेज का, मिरोर वाटर इमेज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलता है, बहुत ही कम वीडियोस ऐसे प्रश्नों के देखने के मिलते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के बहुत कम वीडियो आपको मिलेंगे, इसलिए ऐसे प्रश्न को देखने के लिए हमारे चैनल यानी कि रीजनिंग मास्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे प्रश्नों के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न की और बिना देरी के। पहला प्रश्न स्क्रीन पे है, प्रश्न कह रहा है कि आकृति यहाँ पे दिया हुआ है और ये आपका वाटर है या मिरोर है, इसका हमें अंदाज़ा लगाना। तो नीचे की ओर वाटर रहता तो ये वाटर इमेज का ये प्रश्न है, ना कि मिरोर का। तो ये वाटर इमेज का प्रश्न है यहाँ पे, कि एक चित्र बना हुआ है ऐसे यहाँ पे, फिर इधर से आ गया है और आपका यहाँ पे जो है तीन लाइन इधर से खींचा गया, 1 2 3 4 लाइन, और इधर एक बॉक्स बना दिया गया है, इधर से आपका 4 लाइन है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसा मिलता जुलता आकृति कौन सा है, तो ये चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, चार में से कोई एक सही है, तो सही ऑप्शन को ढूंढना पड़ेगा। तो उसका ढूंढिएगा कैसे, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में और उसे ढूंढने का प्रयास किया जाए। तो ढूंढने का प्रयास यहाँ पर करते हैं यहाँ पर, तो जब वाटर इमेज जब बनेगा तो ये लाइन ठीक ऐसे बन जाएगा, और ये वाला तो ठीक है, ये जो ऊपर जा रहा है ये ऐसे पलट जाएगा, यानी कि ये इधर मुड़ जाएगा। तो ऐसे मुड़ने वाले कितने जगह पे हैं, तो ये चारों में ऐसे ही मुड़ा गया है। अब ये जो इधर था वो इधर आ जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे लाइन आना चाहिए, तो ऐसे केवल और केवल आपका आ रहा है, तो वो ऑप्शन ए और बी में तो नहीं दिख रहा, लेकिन सी और डी में है, सी और डी में बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ पे। अब अगला टॉपिक यहाँ पे इसका पकड़ते हैं, तो यहाँ पे नीचे की और तो ये निकल गया हमारा, अब बचता है ये वाला। तो ये वाला जो है अब ऊपर से नीचे जब आएगा तो ये बॉक्स यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे तो दोनों में बॉक्स बन रहा, फ़र्क ये है कि इस लाइन को ऐसे दोहराया गया है, लेकिन यहाँ पे कैसे दोहराया जाएगा। तो यहाँ पे इस बीच का पोजिशन सेम रहेगा, ना कि मुड़ेगा, ना झुकेगा, ना इधर उधर होगा, तो यहाँ पे बीच का पोजिशन सेम रहेगा, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये इधर ही भागेगा। तो इधर किधर भाग रहा है, इसमें भाग रहा है, इसमें लाइन भी गिनिएगा तो लाइन भी शायद मिल जाएगा, 1 2 3, इसमें कितना लाइनें गिनते हैं, इसमें है 1 2 3 4 5 लाइन लगभग, 1 2 3 4 5 लाइन लगभग। ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ना कि डी सही है। तो आई होप इस प्रश्न को समझ गए होंगे, तो इस प्रश्न को अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये क्या, ये तो और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये आपका मिरोर का प्रश्न है, तो मिरोर का प्रश्न है तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे होगा इसे हमें देखना है। यहाँ पे चार ऑप्शन भी हमारे पास रखे हुए हैं, ये चारों में से कोई एक सही है, तो ये चारों में से कोई एक सही है, सही कौन सा है उसे हमें ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढने के लिए हमें यहाँ पे पहले एक बार इमेज बना लेते हैं, ये गोल किया गया है, ठीक है, गोल ठीक है, इधर से काट दिया गया है। जब आपका मिरोर बनेगा तो ये गोल तो सेम का सेम रह जाएगा, ये कहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कलर किया गया तो ये कलर पहले आ जाएगा, इधर ही आपका कलर आ जाएगा, तो ये कलर इधर से इधर आ गया, क्योंकि यहाँ पे कलर था तो ये कलर इधर आ जाएगा। अब इधर किस में है कलर, तो इधर केवल और केवल डी में है, उसके बाद आपका ये सी में नहीं है और ए में भी नहीं है, तो बी या डी में कोई एक इसका राइट आंसर बनेगा, बी या डी में। तो बी या डी में क्या बनेगा उसे हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब क्या है कि ये कलर तो यहाँ पे आ गया, उसका इधर खाली जगह था तो इधर खाली जगह छूट गया, तो ये कलर इधर खाली जगह ठीक है। अब जिधर खाली था उधर त्रिभुज बना हुआ था,
तो त्रिभुज का मुंह जैसा था वैसा ही का वैसा रहेगा, ना ही उसमें कोई चेंजेस होंगे ना ही कुछ होगा। दूसरी बात, यहाँ पे हल्का कलर है, तो ये हल्का कलर यहाँ भी है, हल्का कलर यहाँ भी है, तो ये मिलता जुलता यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन इसका मुंह देखिएगा, ये ठीक है पोजीशन इसका, लेकिन इसका पोजीशन यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, जबकि पोजीशन दोनों का सेम रहना चाहिए। तो इसमें अभी ऑप्शन डी ही सही होगा, ना कि आपका बी। तो आई होप इसे भी समझ ही गए होंगे, क्योंकि इसमें भी आपका केवल केवल ऑप्शन डी ही सही होगा, ना कि आपका बी सही होगा। बी सही नहीं होने के कारण यहाँ पे यह है कि इसका पोजीशन, त्रिभुज का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो त्रिभुज का पोजीशन इसमें भी चेंज नहीं हुआ है, जैसा का तैसा त्रिभुज का पोजीशन है, और यहाँ पे डी का पोजीशन तो जैसा का तैसा इसमें भी था इसमें भी है। वाटर इमेज में क्या होगा कि पहले डी आएगा फिर त्रिभुज आएगा, पहले डी है पहले त्रिभुज है, ठीक है। तो आई होप इसे भी समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं आपको। प्रश्न संख्या अगला क्या कह रहा है इसे ध्यान से देखना है। प्रश्न आकृति दिया हुआ है यहाँ पे, और ऑप्शन भी ए बी सी और डी हैं आपके पास। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। तो मिरोर का इमेज है, तो मिरोर में क्या होता है कि पहले इसको ले आते हैं, क्योंकि जब पलटेगा तो पहले ये वाला बॉक्स ही बनेगा। तो ये बॉक्स में कितनी संख्याएं हैं, कितनी बिंदुएं हैं, 1 2 3 4 है फर्स्ट, 4 3 7 4 11 बिंदुएं हैं यहाँ पे। तो ये होगा नहीं, क्योंकि इसमें 11 से कहीं गुना ज़्यादा लग रहा है। 6 का 6 है 6 का 6 है। एक सेकेंड, यहाँ पे ये कहीं ना कहीं मिलता जुलता लग रहा है। इसमें मैंने बताया था कि इसमें 11 बिंदु हैं, तो 11 तो इसमें भी मिल रहा है, लेकिन इसमें 3 3 6 मिल रहा है, तो ये डी होगा नहीं। इसमें क्या हो रहा है कि 3 3 6 3 9 2 11 ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये तो भैया किसी भी कीमत पे इसको नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए टीचर से मारी क्यों ना खानी पड़ जाए। उसके बाद इसमें 6 है, इसमें 3 3 6 3 9 2 11 इसमें लग रहा है अप्रोक्स, लेकिन इसमें 3 3 6 ही है फर्स्ट में, तो ये होगा नहीं। तो आपके पास ऑप्शन सी बचता है, जो कि बिल्कुल सही है। आप कहिएगा कि आपने बिना कहीं देखे सुने इसका आंसर कैसे दे दिया बिना किसी उदाहरण के। तो इसे ध्यान से देखिए और आप भी इसे समझिए। हमने देखा कि मिरर में क्या होता है कि आईना तो भैया इधर रखा हुआ है, इधर जब आईना रखा हुआ तो ये पहले आ जाएगा। तो हमने इस अकॉर्डिंग निकाला कि ऊपर में भी 6 है और नीचे में भी 6 है, तो इसमें 6 6 दोनों में था, साथ ही यहाँ पे 11 था, यहाँ पे भी इधर 11 था, तो इधर इसका 11 मिल गया, इसलिए हमने ऑप्शन सी को सही कर दिया, जो कि बिना दिमाग लगाए इसका आंसर आ गया। तो इसलिए बस आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ज़्यादा इधर उधर दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, और इसका आंसर ऐसे ही मिल जाता है मिरर में। मिरर या वाटर इमेज का आंसर जो निकालना होता है वो सबसे ईजी होता है, मिरर या वाटर इमेज का क्वेश्चन, जिसमें कि आपको अप्रोक्स 2 से 4 नंबर मिल जाते हैं मिरर या वाटर इमेज के क्वेश्चन में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे वाटर इमेज है, तो एक यहाँ पे त्रिभुज बना दिया गया है, एक यहाँ पे गोल बिंदु है, ठीक है। जब वाटर इमेज बनेगा तो ये उल्टा आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे एक बिंदी आ जाएगा, तो ऑप्शन डी का नहीं मिल रहा है। ऑप्शन अगर हम ए का देखें तो ए का जैसा का तैसा है, सेम पोजिशन है इसका बैठने का, तो ये गलत होगा। उसके बाद अगर बी को देखा जाए तो यहाँ पे इसका बिंदा नीचे में है, लेकिन यहाँ पे बीच में है, तो बी होगा नहीं। अब बचता है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी का मिलता जुलता है, तो ऑप्शन सी आपका वाटर इमेज का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं आज का आखिरी प्रश्न, देखते हैं क्या है। आखिरी प्रश्न है वाटर इमेज का, तो इसमें है के लिखा हुआ, उसके बाद यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है, के और त्रिभुज है, तो के और त्रिभुज है, तो क्या करना है, वाटर इमेज बनाना है। तो के का पोजीशन वाटर इमेज में भी सेम का सेम रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो के का पोजीशन सेम का सेम रहता है, तो के का पोजीशन इसमें पलट दिया गया, मिरर कर दिया गया, तो ये होगा नहीं। इसके अनुसार भी ये मिरर है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचता है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपके, ऑप्शन सी आपके पास। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में अगर देखेंगे तो क्या होता है कि यहाँ पे डैश जैसा का तैसा है, तो जब उधर से आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा त्रिभुज, तो ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे केवल और केवल आपका ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जल्दी से
2000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए साथ, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके। हमें भी खुशी होगी कि हमने 2000 छात्रों को जोड़ लिया। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।